तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आइशर मोटर ने अपनी नई गाड़ियां BS6 के रूप में लॉन्च कर दी हैं भारतवर्ष के अंदर। नई इनोवेटिव अप टाइम अपग्रेडेड सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी के साथ में कंपनी ने अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हम इसी क्रम के अंदर आज बात करने वाले हैं आइशर प्रो 2059 XP के बारे में, जिस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको नया इंजन मिलेगा, नया पावर मिलेगा, नया टॉर्क मिलेगा और भी काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स इन गाड़ियों की केबिन्स में और पूरी गाड़ियों में अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस नई केबिन की। यहां पर आपको नेक्स्ट जनरेशन 2 मीटर वाइड आपको केबिन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको आइशर प्रो 2059 XP की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। साथ ही दोस्तों नई हेडलाइट्स मिलेंगी आपको, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पहली बार DRL जैसी सुविधा मिल जाती है, जो कि नाइट में काफ़ी खूबसूरत लगती है और आपकी विजिबिलिटी को काफी अच्छा करती है। साथ ही दोस्तों आपको इंडिकेटर और हेडलाइट और DRLs का जो कॉम्बिनेशन है पहली बार आइशर की गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये काफी बेहतरीन फीचर नई गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको आइशर का जो ये केबिन मिल रहा है, टिल्ट फैसिलिटी के साथ में डे कैम मिलता है, जिसको आप जब चाहे जब टिल्ट करके अपने इंजन के बारे में किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल कर सकते हैं। एक और अच्छा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले आपको डीजल टैंक जो है राइट हैंड साइड में मिला करता था, अभी नई गाड़ियों के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में डीजल टैंक देखने के लिए मिलेगा। साथ ही डीजल टैंक के पास में उसका भाई एक और आपको मिलेगा एड ब्लू टैंक, जो कि 20 लीटर का आपको इस खास वेरियंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 मानकों के हिसाब से इस नए टैंक को दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। यहां पर आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट में, शॉक एब्जर्वर और एंटी रोल बार फैसिलिटी के साथ में, जिससे कि आपकी जो केबिन है इसका सस्पेंशन काफी अच्छा बना रह सके और आप इजीली लंबी दूरी तक अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। तो ये तो हो गए दोस्तों सस्पेंशन की बात फ्रंट की। अब हम बात करते हैं पीछे की सस्पेंशन की। यहां पर दोस्तों आपको टायर्स के बारे में बता देना चाहता हूं, 8.25x16 प्लाई रेटिंग के 16 इंचेस के आपको यहां पर टायर्स मिल जाते हैं। पीछे की अगर बात करें सस्पेंशन की, तो यहां पर आपको विद हेल्पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पीछे की साइड में सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पीछे मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके चेसिस की। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन डोमेक्स चेसिस पर इस नई गाड़ियों को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं। पीछे की लुक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक सेफ्टी बार मिलती है, जिससे कि पीछे आने वाले किसी भी वाहन को यहाँ पर रोका जा सके। साथ ही दोस्तों पीछे की साइड में आपको काफ़ी खूबसूरत टेल लैंप्स मिलते हैं, LED के साथ में नए जो टेल लैंप्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इसके पीछे की बात और पीछे का नीचे का लुक। इस तरह की गाड़ी आपको पीछे की साइड से नीचे दिखाई देती है, काफ़ी मजबूत और काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशन और डिफरेंशियल और सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे की साइड से दिखाई देती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कार्गो बॉडी की। यहाँ पर पीछे की साइड में आपको आइशर का लोगो दिखाई देता है ग्राफिक्स के साथ में, जो कि आइशर की हम उमन हर गाड़ियों के पीछे की साइड में आपको दिखाई देता है। रिफ्लेक्टर मिलता है रेड कलर का, साथ ही मिलती है काफ़ी खूबसूरत और मजबूत मटेरियल स्टील से बनाई हुई कंपनी फिटेड कार्गो बॉडी, जिसके अंदर अगर आप कहें तो मैं आपकी लंबाई चौड़ाई बता देता हूं, 10 फीट 12 फीट और 14 फीट के आसपास इसकी लंबाई आपको मिल जाती है नई कार्गो बॉडी की, जिसके अंदर आप 6-6.5 टन तक का आसानी से लोड लेकर के जा सकते हैं। राइट हैंड साइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक यूनिट अलग से दिखाई देगी, जो कि BS6 गाड़ियों के अंदर लगाया गया है, जिसको कहते हैं एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जो कि BS6 की जो गाड़ियाँ हैं उनके पॉल्यूशन मानकों को मैच करने के लिए कंपनी की नई गाड़ियों के अंदर इन चीज़ों को लगाया गया है, जिसको कि काफ़ी सेफली यहाँ पर एक ग्रिल्स के साथ में कवर किया है, जिससे कि हमारी ईट्स सिस्टम को कोई हानि ना पहुँच सके। अब दोस्तों बात करते हैं नई गाड़ी के नए इंजन की। यहाँ पर आपको नया आइशर का इंजन मिलता है, आइशर का 4 सिलेंडर इंजन E474 BS6 टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, 120 HP का पावर देगा और 350 Nm का बेहतरीन टॉर्क। अब दोस्तों केबिन के अंदर की बात कर लेते हैं। केबिन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपको बता दें कि ये नेक्स्ट जनरेशन केबिन है, जिसके अंदर आपको वर्क थ्रू स्पेस मिलता है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, इधर से उधर आप आसानी से जा सकते हैं। नई सीट मिलती है हेडरेस्ट के साथ में, हर सीट पे आपको यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको अगर अंदर चले तो आपको मिलता है एक ग्लोव बॉक्स, जिसके अंदर आप अपना माल वगैरह जो है उसको लॉक करके लेके जा सकते हैं। अब माल किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरा दोस्तों केबिन के अंदर आपको एयर कंडीशन लेने का प्रावधान भी होता है, साथ ही यहाँ पर आपको GPS इनेबल्ड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल सकता है, अगर आप चाहेंगे
ऑप्शनली। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, दूसरा एम बूस्टर टेक्नोलॉजी हर गाड़ी के अंदर मिलता है आइशर की के अंदर, जिसके अंदर आप अपने गाड़ी के पेलोड कंडीशंस के आधार पर अपने ड्राइविंग मोड्स को सेलेक्ट करके ऑप्टिमम माइलेज के हिसाब से गाड़ी को चला सकते हैं। इनकेस आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की जाँच पड़ताल करनी है तो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के डायग्राम के अनुसार यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि केबिन के अंदर से ही आप अपनी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है आइशर का काफ़ी बेहतरीन थ्री स्पोक्स स्टेयरिंग, जो कि पावर स्टेयरिंग होता है, टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में आता है। ऊपर मिलती है आपको एक LED रीडिंग लाइट, साथ ही सनवाइजर जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है, कुछ यूटिलिटी स्पेसेस और देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही दोस्तों पीछे की साइड में आपको यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, जो कि अनइवन कंडीशन में काम आ सकने वाली चीज़ होती है। दूसरा दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नई गाड़ियों के अंदर कंपनी के द्वारा भारतवर्ष के अंदर 340 से भी ज़्यादा GPS इनेबल्ड सर्विस वैन्स को लगाया गया है, इस काम के लिए कि वो आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहे हमेशा। बस आपको करना होगा एक कॉल और आइशर की सर्विस वैन या आइशर की हेल्पिंग करने वाली जो टीम है वो आपके सामने खड़ी होगी किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके MID की, जहाँ पर आपको फ्यूल कोचिंग जैसी सुविधा मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आपको डैशबोर्ड पर ये काफ़ी बेहतरीन फीचर इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर्स के अंदर फ्यूल कोचिंग होगी डिस्प्ले, और बाकी की सारी की चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ हैं। क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधा आपको मिल जाती है नई गाड़ी के अंदर, जिससे कि आप काफ़ी लंबी दूरी की जो यात्रा है उसको फटिकलेस तरीके से कर सकें। साथ ही यहाँ पर आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक जो है छोटा सा गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, जिससे कि आप इजीली अपनी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको नई गाड़ी के अंदर एयर ब्रेक जैसी सुविधा भी मिल जाती है। तो दोस्तों एक मोटा मोटा सा मैंने रिव्यू देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आइशर की मेरी और गाड़ियों के बारे में जानकारी लेने, तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर आइशर की गाड़ियों जो रिव्यू है वो मैंने ही बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग सीट की। ड्राइविंग सीट को आप 4-way डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे आपको यहां पर एक जैक वगैरह भी मिल जाता है, जो आपके कभी ना कभी काम आई जाता है। तो दोस्तों यही था आइशर प्रो 2059 XP का रिव्यू, जिसको कि कंपनी ने U-Tech 6 इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ में इसको लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूं आपको रिव्यू पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।